जोहार दोस्तों। दोस्तों आज हम आया हैं ताप्तीपुत्रा जैविक खेती मिशन कंपनी धारणी। आज हम यहाँ धुरे सर से आधुनिक खेती के बारे में जानकारी लेने और आप लोगों को खेती से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए आज हम सर से आज मुलाकात करने के लिए आए। कंपनी का नाम हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं सुखराम मंगल धुर्वे, ताप्तीपुत्र जैविक खेती मिशन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी धारणी लिमिटेड धारणी, और ये डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन अकोला, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और राष्ट्रीयकृत विकास बैंक नाबार्ड और केंद्र शासन के 10,000 FPO योजना के अंतर्गत स्थापित हुई है 4 अक्टूबर 2021 को। सर ये कंपनी का उद्देश्य क्या? हमारे कंपनी का खास तौर पर दो तीन उद्देश्य हमने रखे हैं अभी शुरुआती तौर पर, कि हमारे किसानों का जो लागत खर्चा कम करना, उनको ऑर्गेनिक खेती की तरफ कैसे लाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी अपने मेलघाट के किसान कम पैसे खर्चा करते हैं, उतना खर्चा कर नहीं पाते, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ उनको उस तरीके का प्रशिक्षण वगैरह देने का कार्य हम करते हैं, और आगे भी फिर बाद में वो जो सेंद्रिय क्षेत्रमाल को एकत्रित संकलन का भी विचार चल रहा है और अभी करने का प्रयास कर रहे हैं। सर जी इसका कार्य पद्धति हमें जरा बताएंगे आप? हमारे ताप्तीपुत्र का कार्य पद्धति है, अभी पूरे टोटल हमारे जो ताप्तीपुत्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में 10 संचालक हैं। कंपनी के डायरेक्टर बॉडी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और बाकी संचालक हैं। तो अध्यक्ष यहाँ पे राजाराम जावरकर करके है जो मेन प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट बलदेव रामलाल पटोलकर जो रत्नापुर से है, फिर बाद में सचिव कंपनी का व्यवस्थापकीय संचालक में सुखराम धुर्वे, और बाकी के बेरदा बल्ला के मौजीलाल धांडे, ऐसे हमारे जो 12 गांवों में गट है वहाँ के ऐसे संचालक है, एक महिला संचालक है। एकुण टोटल यहाँ पे अभी 451 किसान हुए हैं, उसमें 57 महिला है, और टोटली इसमें 98% ये किसान आदिवासी है, और बाकी अपने NT के है जो गोवंश वगैरह है, दूध के वाले गौली समाज के है, वो हमारे पास में किसान है। ऐसे किसानों मिलकर ये कंपनी हम अभी कार्य पद्धति में चल रहा है। ये कंपनी का उल्लेखनीय कार्य? सर उल्लेखनीय कार्य भी है और बाकी की समस्या भी है। तो पहले तौर पर तो काफ़ी समस्या आया है कि कंपनी, ये कंपनी बोले तो सेक्शन 8 में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, जो बड़े कंपनी है उस सेक्शन 8 के कंपनी, जो सर्टिफिकेट आया है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन करके, तो उस क्षेत्र में क्योंकि कंपनी बोले तो एक बस है, इसका समझने का मतलब है कि एक बस है, बस के ड्राइवर होते हैं कंपनी के डायरेक्टर, और उसमें जो बैठे हैं सभासद, 451 सभासद है, ये सवारी है, उस सवारी को उनके जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, वहाँ तक के पहुँचाने का कार्य ये डायरेक्टरों का है, और ये डायरेक्टर का कार्य अब हम निभा रहे हैं धीरे धीरे तौर पर। पिछले 2021 में हमारी कंपनी स्थापित हुई, 22-23 में हमने मक्का भी खरीदे है, और यहाँ के स्थानिक रेट से मिनिमम 200 से 250 रुपये का फ़र्क से अपन ने मक्का डायरेक्ट बारामती पहुँचा है, क्योंकि कंपनी है, हम करार कर सकते हैं, बाहर के लोग बायर भी आ सकते हैं, उनको मालूम है कि सुखराम धुर्वे है, राजाराम जावरकर है, बलदेव पटोरकर है, ये जो डायरेक्टर है, ये इनके पास में 400 किसान है, वो सोचता है कि अगर एक एक क्विंटल भी उनने जमा किया तो 451 क्विंटल जमा होता है, तो वो डायरेक्ट बायर जो आएगा वो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू और MOU करके उसको अपन ये कर सकते हैं। तो एक मात्र बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है अपने मेलघाट के लिए। तो अब बाकी है, आगे लेवल पे हम काम करना चाह रहे हैं कि स्टोरेज हो, क्योंकि बाहर का बायर आता है तो वो सोचता है कि मैं अगर सा चाहूँ तो मुझे बहुत बल्क में चाहिए, लेकिन उस टाइम तक के अपने पास में ट्रांसपोर्टिंग का सुविधा और स्टोरेज का सुविधा का भी प्रक्रिया चल रहा है। हम सर जैसा घट स्तर प्रशिक्षण निष्ठावान के बारे में आप थोड़ा हमें संक्षिप्त में जानकारी बताइए, ताकि हमारा जो युवा काश्तकार है वो भी आपसे जुड़े और प्रशिक्षण के लिए आपसे संपर्क करें। तो हमारे जो गट में अभी कंपनी में जो 451 किसान जुड़े हैं, ऐसे हमारे पास में 20 से 25 गट है। गट स्तर पे हमारे यहाँ पे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन के तज्ञ मंडल है, उनके माध्यम से हमको एक तज्ञ एक वर्कर मिला है, और उसको एग्जीक्यूटिव पोस्ट मुख्य कार्यकारी के रूप में, उसके बाद में
KVK हो गया, महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग हो गया, कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा आत्मा अमरावती, इनके कुछ वरिष्ठ साइंटिस्ट लोग, वरिष्ठ अधिकारी, कृषि सहायक, इन लोगों को हम एकत्रित बुलाते हैं और गट स्तर पे क्षेत्रीय शाला के माध्यम से और गट स्तर का एक प्रशिक्षण लेते हैं। उस माध्यम से उनको जो जो चीज़ें लगता है कीड़ रोधक के बारे में, मित्र कीटक, शत्रु कीटक, इसके बारे में वो जानकारी उनसे मुहैया करके उनको बताते हैं। और ज़मीन का मिट्टी परीक्षण कम से कम बोनी से पहले एक बार तो भी मिट्टी परीक्षण होना है। अगर से अपन बीमार होते हैं तो अपन फटनी दवा खाना जाते हैं, लेकिन आज अपनी ज़मीन बीमार हो रही है इसके बारे में उसका आरोग्य पत्रिका नहीं कर रहे। अगर अपन ने आरोग्य पत्रिका की है कि उसको क्या चीज़ मांग रहा है, आज अगर से आपने यहाँ पे यूरिया का बहुत बड़ा प्रमाण, क्योंकि दुकानदार तो उसको बेचना है, उसको तो एक प्रकार का इनकम सोर्स है, लेकिन अगर से अपने ज़मीन में वास्तविक में वो गऊ का रोटी मांग रहा है या जवारी का, अपन गेहूं भी दे, गोबर खाद भी दे रहे हैं और यूरिया DAP भी दे रहे हैं, फर्टिलाइजर भी दे रहे हैं, तो ये इसमें क्या हो रहा है कि उसकी जो पेट खराब हो रही है। अगर अपन गेहूं की रोटी, जवारी की रोटी खाए तो अपनी भी पेट खराब हो रही है। तो ये चीज़ें का इसके लिए हम लोग KVK के पिछले साल वरिष्ठ शास्त्रज्ञ KP सिंह साहब को बुलाए थे, उन्हें ये बारे की जानकारी दिए। उसके बाद में हमने ऑर्गेनिक खेती के बारे में हमारे सर्ग विकास समिति अकोला सुपर बायोटेक के माध्यम से S9 कल्चर वापर के BD कंपोस्ट यानी कि बनाने का हमने ट्रेनिंग वगैरह दिया, काफ़ी जगह में डेपो लगाए हैं। फिर बाद में तरल खाद हो गया, जीवामृत हो गया, इसके बारे में ट्रेनिंग दी है। और उसके लिए लगने वाली साहित्य जो है उसके लिए हमने 300 लीटर का, 200 लीटर का ऐसे टाकी वाटप किए हैं, जो प्लास्टिक की टाकी और पंप, ये यानी कि उनको ये चीज़ें पूरे तक के जो हमारे गट में शेयर होल्डर बने हैं किसान, उनके लिए हमने मुहैया किया है। और आगे और मानव विकास कृषि विभाग के अंतर्गत, मानव विकास के योजना के अंतर्गत अभी हमारे दो गटों का मंजूर हुआ है। एक बिजीदावड़ी गट में 15 लाख का यूनिट मंजूर है और यहाँ पर, और उसके साथ साथ में चलते कि अपने मेलघाट का जो पुराना पिक था, आज इंटरनेशनल ईयर में उसको मिलेट्स ईयर करके घोषित हुआ है पूरे वर्ल्ड में, और वो जो अनाज लुप्त तो होने के कगार में था उसको श्री अन्न, जो कोदो, कुटकी, सावा, और आज मेरे ख्याल से 1995, आपको भी पता है, 95-96 तक के अपने 70% लोग उसका ही भोजन करते थे, कुटकी सावा का, तो वो चीज़ें में इतना पोषक तत्व होता था, तो वो चीज़ आज अपने मेलघाट का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है अगर से उस पर वैल्यू एडिशन किया अपन ने, और उसके चावल वगैरह को अगर से मार्केट में, तो आज पूरा इंटरनेशनल मिलेट ईयर में बहुत डिमांड है। तो मैं दिल्ली भी गया, केरल जा चुका हूँ, अयोध्या लखनऊ में गया है, तो वहाँ पर इस चीज़ को डिमांड है। और जब बाहर निकला यहाँ से, मेलघाट से बाहर, तो सही में वाकई में अपने मेलघाट में एक सोना ही है, ऐसा मेरे सोचने का अर्थ है। ताप्ती पुत्र जैविक खेती कंपनी को काफ़ी जगह में हमने पुरस्कार से सम्मानित होते देखा है, तो ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए कंपनी को सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले सम्मानित करना एक प्रेरणा स्रोत होता है, उल्लेखनीय कार्य। तो हमने जो 2021 में पहला मक्के पे काम किया था, काफ़ी अच्छा टर्नओवर हुआ, किसानों को 100-200 रुपए का ऊपर से फायदा हुआ आज एक हिसाब से। तो पहला 2021 में KVK कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन आत्मा अमरावती ने अपना उल्लेखनीय कार्य से सम्मानित घातखेड़ में किया। वैसे 2022 में पुणे में ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग ऐसा करके एक डेवलपमेंट है, पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में अपना वहाँ पे सत्कार सम्मान हुआ है। फिर 2021 की बात है, मुंबई में राज्य स्तरीय सम्मान पुरस्कार से अपने को घोषित किया गया है, वहाँ पे अपने को मेडल्स है, अभी आप देख सकते हैं मेडल वगैरह भी। फिर बाद में राज्य स्तरीय कृषि महोत्सव अमरावती में हुआ था, वहाँ पे भी माननीय माजी कृषि मंत्री इनके हस्ते अपने को सम्मानित किया, ताप्ती पुत्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को। और 2023 में इस साल पे राष्ट्रीय एग्रो आइडल अवार्ड करके मॉम ऑर्गेनिक मार्केट और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन के अंतर्गत नेतृत्व करने के लिए महाराष्ट्र से 6 लोगों का निवड़ हुआ है, और वो भी महाराष्ट्र में अपने जैसा मेलघाट का ताप्ती पुत्र कंपनी का निवड़ होना, ये अपने लिए बेहतरीन साबित हुआ। और ये किस लिए है कि अपनी जो मेलघाट में श्री अन्न आज इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर में होता है, वो चीज़ों के कारण से अपना निवड़ हुआ था और अपन दिल्ली गए, और वहाँ पर भी अपने को महाराष्ट्र को दूसरा क्रमांक का पुरस्कार मिला पूरे भारत में, और वो मिलेट्स के कारण, एक मेरे को लगता है कि कहीं तो भी अपन मिलेट्स में थे, तो उसके कारण से फर्स्ट पुरस्कार केरल को जाहिर हुआ, दूसरा महाराष्ट्र को जाहिर हुआ। सर जी, मेरा आपसे विनती है कि आप हमारे मेड़घाट के सभी किसानों को दे, ताकि वहाँ उन लोग भी जैविक खेती से जुड़े। मैं तो यही चाहूँगा जैविक खेती से जुड़े और जैविक खेती करने का प्रयास करें, क्योंकि आगे आने वाले समय
ये बहुत घातक समय है, क्योंकि अपन ही खुद जहर पैदा करके दूसरे को जहर फैला रहे हैं, अपन ही खुद ला रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मिट्टी परीक्षण करना जरूरी है। सुशिक्षित युवा वर्ग जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये कहीं तो भी खेती में आने का प्रयास करें, और खेती में आने के बाद में एक FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो केंद्र सरकार ने एक ये प्लेटफॉर्म तैयार किए, तो ये कॉरपोरेट क्षेत्र में आकर इसको बहुत बड़ी एक डिमांड है कि अगर से अपन ने एकमात्र से तुअर है, तुअर की वैल्यू एडिशन किया तो दाल बन सकती है, तो दाल में सीधा सीधा वो 150 रुपये, 7000 क्विंटल है तो 150 रुपये किलो से अगर से तो 15000 क्विंटल हो गए। अगर अपने मेलघाट के कुटकी है तो उसको वैल्यू एडिशन किया तो वो कुटके आज 100 रुपये 10000 रुपये क्विंटल के आसपास में है। तो ऐसी हर चीज़ में अपन वैल्यू एडिशन, अगर फल्ली है तो ये FPO एक तरह से पूरा कलेक्शन करेगी, उसके ऊपर से जो भी मानव विकास योजना है इतर यंत्रणा के माध्यम से, अभी नाबार्ड भी बहुत बड़ी सपोर्ट कर रही है कि किसान एक तरफा एक आ जाए, तो उसको वैल्यू एडिशन करेंगे तो किसानों को भी नफा होगा। अगर से एकमात्र आप सोचो कंपनी है हमारी ताप्ती पुत्र कंपनी, हम फल्ली खरीदने का सोचिए, एक उदाहरण फल्ली खरीद के अगर से हमने फल्ली को फोड़ के अगर दाना बेचा 5000 से 6000 रुपये क्विंटल फल्ली है, अगर उसके दाना बेचेंगे तो आज दाना का रेट डबल है, तो अगर सामने 5000 के बदला हमारे किसान को 6000 दिया तो भी पूरता है। तो ये एक छत के नीचे आने के एक बहुत बड़ा फायदा है, और आज के युवा वर्ग ने आना चाहिए, और ये इसके माध्यम से अगर से स्टोरेज गोडाउन FPO में होने की वजह से 50 से 100 से 50 लोगों को रोजगार मिल सकता है, और उससे पढ़े लिखे लोगों को 10 से 15 लोगों को रोजगार। अभी मेरी कंपनी में, हमारी जो कंपनी है ताप्ती पुत्र में, एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑफिसर है, एक लेखा परीक्षक है, 4 आंतरिक निरीक्षक है, इन लोगों को आज 10 से 15000 रुपये महीना मिल रहा है, वो लोग भी पेट अच्छे से उनके घर गृहस्थी चला रहे हैं। तो एक कंपनी अगर से 10 लोगों को रोजगार मिलता है तो आगे चल के तो और भी, अभी वैल्यूएड 2 मानव विकास की योजना है हमारे, वहाँ पे भी 4 से 5 लोगों को रोजगार मिलता है 2 योजना से, वैसे भी तो मिनिमम एक प्रकार से 10 से 15 लोगों को रोजगार मिल गया। और यही सोचता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी जो कृषि डिप्लोमा कर रहे हैं बच्चे, इनने तो खास तौर पर माँ बाप को बताना चाहिए कि खेती कैसा करना चाहिए, क्योंकि आप अभ्यासु हो उस लेवल पर। और आज मेलघाट का ये बहुत बड़ा एक नामा मात्र, अभी मेरे को 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, वहाँ से मंत्रालय से मुख्य अपर मुख्य सचिव आयुक्त ने दखल लिया है कि स्पेशल मेलघाट का किसान वहाँ पे मिलेट्स के ऊपर काम, यानी कि स्टॉल के लिए, और वहाँ माननीय पंतप्रधान मोदी साहब आने वाले हैं, तो वो ये भी एक संधि है अपने लिए काफ़ी स्तर तक के। और एक एग्रीकल्चर सेक्टर एक व्यवसाय, ये कभी ना रुकने वाला व्यवसाय है। आज अगर सब मैं सोचता हूँ कि तुम वैल्यू एडिशन करो और अपना एक ब्रांड डेवलप करो, ब्रांड डेवलप हुआ तो आपका माल दुगना हो गया, आपका माल का भाव आप खुद तय कर सकते हो, ये एक FPO से सीख है सर। धन्यवाद सर। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज हमने ताप्ती पुत्र जैविक सेती मिशन कंपनी धारणी इनके और आज एक छोटा सा इंटरव्यू लिया, जिसमें खेती के बारे में बहुत सारे जानकारी आप लोगों को दिया गया है। तो मैं सभी युवा और मेरे किसान भाइयों से विनती करता कि आप भी जैविक खेती की ओर बढ़े और सशक्त किसान बने, ताकि आज जो हमारे किसान भाइयों के साथ में जो चीज़ें हो रहा है वो भविष्य में ना हो। धन्यवाद।